एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन वही होता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो और वो फिल्म की पूरी स्टोरी को एक नई डायरेक्शन में लेके जाए। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करूंगा जो मेरे इंडियन सिनेमा के फेवरेट्स हैं। आई एम गोना एक्सप्लेन यू कि क्यों ये सभी सीन्स एक शॉक वैल्यू देते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट था मुझ पर फिल्म देखते हुए। लिटरली कुछ सीन्स को देखते हुए तो मैं बस थिएटर में बैठा ही रह गया था कि ये हुआ क्या है, वो सीन्स इतने इम्पैक्टफुल थे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। नंबर 10, पीके। पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं है, इट्स मोर लाइक अ सीन दैट कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द फिल्म। उस टाइम पे एक्चुअली क्या होता था कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ट्रेंड ही नहीं था, मेकर्स ऐसे सीन को क्रेडिट्स के बाद दिखाने का रिस्क नहीं ले सकते थे, बट फिर भी मैं इस सीन को एक पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह मानता हूँ। सो ये सीन है क्या बेसिकली? पीके के एंड में रिवील होता है कि एक और एलियन धरती पे आया है और उसका कैरेक्टर रणबीर कपूर प्ले करने वाले हैं। आमिर और रणबीर को एक साथ देखना एक बहुत ही यूनिक साइट थी। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि पीके का कभी सीक्वल भी आएगा बिकॉज अब ये फिल्म बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बन चुकी है, बट रणबीर की अपेयरेंस एंड में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। का सेल्फ डिफेंस। अच्छा सेफ्टी। चला चला। अरे वहां कहाँ जा, यहाँ चला। नंबर 9, भेड़िया। भेड़िया के एंड में हम विक्की और बिट्टू के कैरेक्टर्स को देखते हैं जो जना को ढूंढने आए होते हैं। उसी मोमेंट पे रिवील होता है कि भेड़िया स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है। यहाँ पर ये तीनों कैरेक्टर्स भास्कर को देखने आते हैं और उस वक्त वो एक भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। ये सीन मुझे काफी इंप्रेसिव लगा क्योंकि ये शुरू तो एक कॉमेडी सीन की तरह होता है बट इट बिकम्स थ्रिलिंग बाय द एंड। इसलिए मेरे लिए तो ये स्त्री यूनिवर्स का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है। सॉरी यार, मुझे दौरे पड़ते थे ना और लोगों को लगा कि मैं शराबित हूँ तो मम्मी ने यहाँ भेज दिया। सारे कॉन्टैक्ट भी डिलीट करवा दिए और खास कर से तुम लोगों के नंबर ब्लॉक करवा दिए। औरत के चक्कर में दोस्तों को भूल गया तू? माँ है मेरी बे। सॉरी। नंबर 8, कल्कि 2898 AD। कल्कि बहुत ही हाई इमोशंस पे एंड होती है। फिर वहां पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जहाँ पे सुप्री न्यास्किन को एक ड्रॉप की सीरम मिल जाती है जो उसे हमेशा से चाहिए होती थी। उस एक ड्रॉप से सुप्रीम यास्किन बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। ऐसे लगता है कि उसकी एज रिवर्स हो गई है। सिंस ये फिल्म अभी तक स्ट्रीमिंग पे नहीं आई है सो मैं ज्यादा फुटेज यूज नहीं कर सकता फिल्म की, बट इस पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि कल्कि 2 और भी मजेदार होने वाली है। वेयर वी आर गोइंग टू सी अश्वत्थामा वर्सेस यास्किन एंड ऑल्सो भैरव। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस है पार्ट 2 से सो आई होप द फिल्म डिलीवर्स। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। नंबर 7, KGF चैप्टर 2। रॉकी KGF 2 के एंड में मर जाता है और सबको लगता है कि अब KGF का पार्ट 3 नहीं आएगा, बट फिर रिवील होता है रॉकी की लाइफ का वो फेज जहां वो इंडिया से गायब था। उस फेज को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पे दिखाया जाता है और उस पे लिखा होता है KGF 3। जब मैंने ये सीन थिएटर में देखा था तो ऑडियंस पागल हो गई थी। किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यश के मरने के बाद भी KGF का पार्ट 3 आ सकता है। नंबर 6, टाइगर 3। टाइगर 3 ओवरऑल एक बहुत डिसेंट फिल्म थी मेरे लिए और सिंस ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है तो डेफिनेटली कुछ रिवील करना जरूरी था एंड में। फिल्म का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वहाँ पे कबीर के कैरेक्टर को रिवील किया जाता है और ऐसे लगता है कि उसकी डार्क साइड को नेक्स्ट फिल्म में एक्सप्लोर किया जाएगा। ये रिवील मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। देखो मेकर्स ये भी चॉइस ले सकते थे कि कबीर को किसी मिशन पे दिखा दें या एक्शन सीन में दिखा दें या फिर टाइगर को कोई मैसेज देते हुए दिखा दें, बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक रिस्की मूव लिया और कबीर के कैरेक्टर की आंख को थोड़ा चेंज कर दिया है। इस सीन की वजह से अब स्पाई यूनिवर्स में थोड़ी जान आ गई है बिकॉज कबीर इज जस्ट नॉट अ वन डायमेंशनल हीरो, ही इज मोर ऑफ अ ग्रे कैरेक्टर नाउ। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र। मुझे इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में सबसे सही बात यह लगती है कि देव को एंड में रिवील किया गया है पर यह कभी नहीं बताया गया कि इसको कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है। वैसे सिनेफाइल्स के लिए तो एक काफी आइकॉनिक सीन है क्योंकि सबको अच्छा लगता है गेस करना कि वो एक्टर कौन होगा, पर मास ऑडियंस के हिसाब से ना थोड़ा उनको और सर्व करना चाहिए था।
जस्ट इमेजिन अगर देव के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर को भी रिवील कर दिया जाता तो फिल्म की हाइप और भी ज्यादा हो जाती। बट स्टिल एज अ सिनेफाइल आई रियली लव दिस पोस्ट क्रेडिट सीन। नंबर 4 पठान। बहुत ही मजेदार पोस्ट क्रेडिट सीन था ये। ऑलरेडी फिल्म में पठान और टाइगर का कोलैब हो चुका था जहां पे हम एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन सीन देखते हैं। सो जब फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है तो वहां पे कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं थी, ना ही कोई डिटेल रिवील करने की जरूरत थी। और मुझे ये डिसीजन बहुत सही लगा जहां पे मेकर्स ने दोनों को एक ब्रिज पे बिठाया हुआ है और दोनों बस बातें कर रहे हैं कि बाकी एजेंट्स में वो बात नहीं है जो उनमें है। दिस इज अ क्लियर मेटाफर ऑफ शाहरुख एंड सलमान स्टारडम। इसीलिए सीन इस तरह से लिखा गया था। इन दोनों ने जो स्टारडम देखा है वैसा स्टारडम अभी तक किसी और ने नहीं देखा है। हमें करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। चल, लेट्स गो। नंबर 3 विक्रम। विक्रम एक बहुत ही हाई नोट पे खत्म होती है एंड एज ऑडियंस आप उस एंडिंग से बहुत सेटिस्फाई हो जाते हो। बट इसके बाद आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहां रोलेक्स को रिवील किया जाता है। सूर्या लुक बैड एस इन दिस कैरेक्टर और हमें इस सीन में यही दिखाया जाता है कि वो कितना रूथलेस है, वो कितना पागल है। इसके अलावा मुझे सबसे इंप्रेसिव बात ये लगी कि रोलेक्स को रिवील करने के बाद हम वहां पे विक्रम को भी देखते हैं। दैट एक्सप्लेन्स कि विक्रम आज भी इनसे दो स्टेप आगे सोच रहा है एंड ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू फाइट रोलेक्स। बहुत ही अमेजिंग पोस्ट क्रेडिट सीन था ये। मुझे तो आज भी गूज़बम्स आते हैं सीन को देख के। वापस शुरू करूंगा स्क्रैच से, कल डे 1। उससे पहले देयर इज अ बाउंटी, जो भी उसका सर लेके आएगा उसका लॉस से मिटेगा। नंबर 2 पे जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो है बाहुबली द बिगेनिंग का। आप शायद भूल गए होंगे कि मेनस्ट्रीम फिल्म मेकिंग में बाहुबली से ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स का कल्चर इंडियन फिल्म्स में शुरू हुआ था। यहाँ कटप्पा अमरिंदर बाहुबली को मार देता है, लिटरली उसके अंदर वो तलवार मार देता है एंड वी सी दैट तलवार गोइंग इन एंड आउट। दैट वॉज रियली शॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद ऑडियंस सोचती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा भी क्या हुआ कि कटप्पा को ये कदम उठाना पड़ा। बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूटेड सीन था ये। इस सीन को देखने के बाद ऑडियंस इतनी क्यूरियस हो गई थी पार्ट 2 के लिए कि ये मैंडेटरी हो गया था कि अब पार्ट 2 वो देखने ही जाएंगे। मेरे ओपिनियन में इस पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से बाहुबली 2 की एक बहुत ब्रिलियंट मार्केटिंग हो गई थी। नंबर 1 पे जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो है एनिमल का। रणविजय फिल्म के लास्ट सीन में रो रहा होता है एंड वी थिंक कि फिल्म यहाँ ही खत्म हो जाएगी एंड देन कम्स दिस शॉट जहाँ हम एक कैरेक्टर को बुचर नाइफ्स के साथ देखते हैं। हमें फिर याद आता है कि यस, ये वही अजीज है जिसके बारे में जोया ने बताया था। कैमरा पैन होता है एंड वी आर शॉक्ड टू सी अजीज जिसने रणविजय के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवील्स। बट इसके बाद वो लोगों को मारना शुरू करता है। उस सीन में इतना ब्लड होता है, उसके चेहरे पे जो स्प्लैशेस आ रही होती हैं, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होता है, इट वॉज पीक वायलेंट सिनेमा। और फिर वहां पे अपेयर होता है अगली फिल्म का टाइटल एनिमल पार्क। एनिमल पार्क में रणविजय वर्सेस अजीज होगा, सेम चेहरे के दो लोग और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री कि कौन सर्वाइव करेगा। दिस वॉज अ ग्रेट पोस्ट क्रेडिट सीन। फील ही आ गई मुझे इस पॉइंट को डिस्कस करते हुए। दैट इज वाई आई एम कीपिंग दिस ऑन नंबर 1 क्योंकि ये सीन सच में बहुत इफेक्टिव है। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे वो पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो मेरे फेवरेट हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके टॉप 3 पोस्ट क्रेडिट सीन्स कौन से हैं जिसने आपको पूरी तरह से शॉक कर दिया था। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। इसके अलावा इफ यू कनेक्ट विद माय ओपिनियन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स एट विशाल एंड सिनेमा, जहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड बहुत सारी चीजें पोस्ट करता हूँ। सो इफ यू लाइक इट यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। ऑलराइट देन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग सोशल फॉर मोर वीडियोज लाइक दीज।